जंगली रमी ऐप में अगर आप खेलते हैं और बैट वगैरह लगाते हैं तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर आपको कोई भी परमानेंट अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब आप अपना अकाउंट परमानेंटली डिलीट नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले ये अपने प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से लॉग आउट कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ से आप लॉग आउट कर लीजिए। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू लॉग आउट? तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है? ये जो आप देख पा रहे हैं, यस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लॉग आउट हो जाओगे, राइट? लॉग आउट हो जाने के बाद यहाँ से आप बाहर आ जाएं, ठीक है? बाहर आने के बाद आपको सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है जंगली रमी का, उस पर आपको टैप एंड होल्ड करना है और ऐप इन्फो पे चले जाना है, राइट? बहुत सारे एप्लीकेशन में, बहुत सारे मोबाइल में ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं एप्लीकेशन इन्फो का, तो वहाँ पर आप यहाँ कैसे जा सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर चले जाना है, ऐप मैनेजमेंट, उसके बाद ऐप लिस्ट पे चले जाना है और फिर यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन सर्च कर लेना है, जैसे कि ये जंगली रमी, तो आप वहीं ऑप्शंस पे चले आएंगे। और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले परमिशन में जाना है और सारे परमिशन को, जो अलाव है परमिशन, उसको आपको नॉट अलाउ कर देना है। जैसे कि मान लीजिए सारे एप्लीकेशन, ये परमिशन मेरे अलाउड रहते तो मैं उसको अलाउ नहीं करता, ठीक है? जैसे यहाँ पर नॉट अलाउड पहले से लिखा हुआ, क्योंकि मैंने पहले से अलाउड नहीं किया हुआ था, मुझे पता था कि मैं एक दिन इसको अनइंस्टॉल करने वाला हूँ, इसलिए मैंने नहीं किया था। उसके बाद फिर यहाँ से आपको बैक चले आना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको चले जाना है स्टोरेज यूसेज में। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको क्लियर कैचेस करना है और फिर क्लियर डेटा कर लेना है, ओके? दैट्स इट। और इस तरह से आप परमानेंटली अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरीके की और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।